Hello, namaste and sat sri akal to everybody who is watching my channel. स्वागत है आपका सिंह टॉक्स में. थोड़ा सा एक्टिंग मोड में था मैं इस टाइम पे, क्योंकि घर में, बिग बॉस के घर में ड्रामा बहुत चल रहा है. मैंने सोचा मैं भी कर लूं. तो ड्रामे के बारे में बात में मतलब ड्रामे के बारे में अगर हम सोचे तो सबसे पहला दिमाग आता है मेरे दिमाग में शहनाज. क्या ड्रामा करती है भाई साहब. मेरे को अगर ऐसे बात करोगे तो मैंने किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है ना. सही बोला सबने, सही बोला. मतलब यार तुम इतना ड्रामा, कभी रोती हो, कभी हंसती हो, कभी गुस्सा हो जाती हो. मतलब एक पैकेज हो यार, एक पैकेज हो. और अगर यार तुम सिद्धार्थ से प्यार करती हो तो स्टिक टू सिद्धार्थ ओनली यार. आप उसको इधर उधर मत जाइए. और हमने फिर से देखा, उसके बारे में बात भी करेंगे, सिद्धार्थ और हमारी शहनाज का फिर से अनबन. अभी इसी एपिसोड में देखा कि भाई क्लोज आ गए हैं, झप्पी पप्पी कर रहे हैं, एंड दे आर लाइंग ऑन द बेड एंड प्लेइंग कडलिंग, है ना, एंड वेरी क्यूट रोमांटिक टाइप ऑफ थिंग हमें देखने को मिली है वहाँ पे. बड़ा मज़ा आया मेरे को देखने में कि हाँ, दोबारा से वो लोग जो अनबन थी वो ख़त्म हो गई है उनकी. बट हमने फिर से देखा प्रोमो में, अगर आपने मिस कर दिया हो तो, शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला से एकदम गुस्सा हो चुकी हैं एंड वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. मतलब बात में भी शायद सिद्धार्थ करना चाह रहे हैं. प्रोमो में हमें ये देखने को मिला कि सना ने बैक ऑफ कर दिया है सिद्धार्थ से, मना कर दिया कि मैं तेरे से आज के बाद बात नहीं करूंगी एंड ऑल दैट थिंग्स. एंड सना ने एकदम उसको बायकॉट कर दिया है, मैं बात नहीं करूंगी. तो ये कब तक चलेगा, मतलब कब तक नहीं चलेगा, कब तक चलेगा पता नहीं मेरे को. सना प्लीज, आई बेग यू टू प्लीज चेक टू दैट पर्सन, डोंट लीव हिम नो मैटर वॉट ही सेज. प्लीज स्टिक टू दैट पर्सन. मतलब बहुत बढ़िया बंदा है वो, उसके साथ रहो, उसके साथ खेलो, आगे तक पहुंचोगे, फाइनलिस्ट तो जरूर बन जाओगे. एंड में आपके फैंस, मैं जैसे हूं आपका फैन, तो मैं अगर सिद्धार्थ और आप में भी होगा तो मैं आप ही को वोट करूंगा. बस आप थोड़ा सा सही रहिए. मतलब कभी कभी एक्स्ट्रा लगता है कि आप थोड़ा सा, मतलब शहनाज मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर चली गई हैं. मतलब अगर मेरे को कॉलर ऑफ द वीक का चांस मिलेगा, मैं शहनाज से बात करना चाहूँगा. यार प्लीज़ थोड़ा सा ना अपना जो आपके जो इमोशंस हैं, जो आप जिसको आप एग्जैजरेट करते हो, अगर मैं बोलूँ उसको एक्स्ट्रा दिखाते हो आप. आपके इमोशंस अगर रो रहे हो तो एकदम ही रो रहे हो, हंस रहे हो तो एकदम ही हंस रहे हो, और गुस्सा कर रहे हो तो मैं ना तेरे से बात नहीं करनी, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी आज के बाद, तेरे से बात नहीं करनी मैंने, एकदम ओवर है. आप थोड़ा सा कूल डाउन रहो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो तो वही सही है हमारे सिडनास के लिए. सब लोग सिडनास को बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है आप भी करते हैं. कुछ क्लिपिंग्स मैंने आपको बिग बॉस की तरफ से दिखाई हैं जिसमें वो दोनों थोड़ा सा क्लोज भी आए हैं, और जो उनकी प्रोमो में जो देखने को मिला है कि वो लोग थोड़े से बिछड़ रहे हैं, दोनों की क्लिपिंग्स मैंने डाली हैं. तो बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को. मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की. और अगर आप कोई आपका सुझाव हो या फीडबैक हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा. एंड मिलते हैं अगले रिव्यू, अगले एपिसोड में. तब तक के लिए सत श्री अकाल.